हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ फेजेस ऑफ क्योर एल्गोरिथम इन ब्रीफ। बाकी हम हर एक फेज को डिटेल में आने वाले वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल मैं ये जान लीजिए कि जो क्योर एल्गोरिथम है दैट इज बेसिकली डिवाइड इनटू टू फेजेस। द फर्स्ट फेज इज इनिशियलाइजेशन इन क्योर, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, एंड देन द नेक्स्ट एंड द सेकेंड द लास्ट फेज इज कम्प्लीशन फेज। इनिशियलाइजेशन फेज एंड कम्प्लीशन फेज। इनिशियलाइजेशन फेज में आपके टोटल फाइव कॉम्पोनेंट्स या फिर टोटल फाइव स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, थोड़ा सा जंबल्ड में लिखा हुआ है, बट आपका पहला स्टेप विल ऑलवेज बी द रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले आपको सैंपल को रैंडमली या डेटा को रैंडमली सैंपल करना है। द नेक्स्ट स्टेप विल बी पार्टीशनिंग। अब पार्टीशनिंग में क्या होता है, आपका जो बड़ा सा रैंडम सैंपल रहेगा उसको स्मॉल स्मॉल क्लस्टर्स में आप डिवाइड करेंगे, स्मॉल स्मॉल सैंपल में पार्टीशन करेंगे, ठीक है, अनटिल यू रियलाइज कि हाँ अब जो सैंपल है उसको और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता या क्लस्टर को और ज्यादा छोटा नहीं किया जाता, तब तक आप उसको पार्टीशन करते रहेंगे। ये दोनों हम चीज आगे वीडियोस में देखेंगे। सिमिलरली द नेक्स्ट वुड बी हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। तो अब तीसरा स्टेप जो होगा वो होगा हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, मतलब ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको हम बढ़ा करके एक थोड़ा बड़ा क्लस्टर बना सकते हैं उनको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। जो आगे के स्टेप, थर्ड स्टेप होता है आपका, जब भी आप क्योर एल्गोरिथम करते हैं तो पहले आप रैंडम सैंपल लेते हैं, उसको पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन करने के बाद आप हायरार्की का क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लगाते हैं, जिससे आप क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं जो जिनको और बड़ा बनाया जा सकता है, जिनको और बड़ा क्लस्टर बनाया जा सकता है, उनको आप मर्ज कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी हैंडलिंग आउटलायर्स। तो आपका आगे का स्टेप क्या होगा, आपको आउटलायर्स को हैंडल करना है, उनको एलिमिनेट करना है, ठीक है, जो भी, क्योंकि उससे क्या होगा आपका जो क्लस्टर का ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगा या फिर द रेट एट विच द फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर टेक्स प्लेस विल बी रिड्यूस्ड जस्ट बिकॉज आपके आउटलायर्स काफी दूर दूर होंगे। सो इट्स बेटर टू एलिमिनेट देम। देन द लास्ट स्टेप वुड बी लेबल डेटा ऑन डिस्क। आपको डेटा को या फिर क्लस्टर को लेबल करना है एंड देन उसको डिस्क में स्टोर करना है। सो दीज आर द फाइव स्टेप्स इन इनिशियलाइजेशन इन क्योर। इनको हम डिटेल में आगे वाले वीडियो से पढ़ेंगे। कंप्लीशन फेज में क्या होता है, यू हैव टू मर्ज बाय मैचिंग इट्स रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स फ्रॉम स्टोरेज। तो आपके पास जब बहुत सारे क्लस्टर्स हो जाएंगे तो आपको अकॉर्डिंगली जो क्लस्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स आसपास है उनको मर्ज करना है। अब ये कैसे होता है भी मैं आगे समझाऊंगी, डोंट वरी। सो फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, कंप्लीशन फेज में क्या होता है, मर्जिंग ऑफ द क्लस्टर्स बाय मैचिंग इट्स रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स फ्रॉम स्टोरेज, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में मैं रैंडम सैम्पलिंग, पार्टीशन, हायरार्की क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, देन हैंडलिंग आउटलायर्स, लेबलिंग डेटा ऑन डिस्क, सब पे डिस्कस करने वाली हूँ। सो अगर आपको देखना है तो प्लीज मेरा आगे वाला वीडियो देखते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।